आपने जिस प्रकार से गोपियों के वस्त्रों का हरण किया, आप जिस प्रकार से माखन की चोरी किया करते हैं, ठाकुर जी माखन की चोरी करते हैं, जिसके यहाँ 9 लाख गाय है और वो माखन की चोरी करते हैं, ऐसा क्या कारण है? बोले कारण ये, हर ठाकुर जी की हर लीला में कोई ना कोई बात छुपी हुई है। तो ठाकुर जी माखन की चोरी किसकी करते हैं? बोले जिसका मन मीठा होता है, ठाकुर जी की कोई कमी नहीं है। उसी प्रकार से ठाकुर जी गोपियों की बहुत सी गोपी ऐसी होती थी जिनकी मटकियों को फोड़ देते थे, माखन को फैला देना। तो ऐसा भाव है कि जिसके मन में जरा भी अहंकार आ गया, उसकी मटकी को ठाकुर जी फोड़ गए और फैला देते। तो ठाकुर जी से हमने ऐसी प्रार्थना करी, हे गोविंद, हमारे जो जन्म जन्मांतर से हम कर्म करते हुए आ रहे हैं, उसमें पाप भी होते हैं, पुण्य भी होते हैं, तो आप में इतनी सामर्थ्य है कि हे गोविंद, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्र गंडम शीट सामा में, आप हमारे कोटि कोटि जन्मों के अनेकों जन्मों के पापों की चोरी करके चौराग्र गंडम शीट सामा में उनको भस्म कर दीजिए, उनको खत्म कर दीजिए उन पापों को। इसीलिए हे गोविंद, हे चोरों के अग्रणी माखन चोर भगवान, मैं आपको साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। और श्री राधा रानी जी के चरण कमलों में हमने ऐसी प्रार्थना करी, हे युवा सरकार, हे श्री राधा रानी जी, मेरे जीवन काल में और मेरे अंत काल में, देखिए इस जीवन की अंतिम परीक्षा मृत्यु है, जिसकी मृत्यु सही हो गई ना, जिसके अंत में मृत्यु के समय ठाकुर जी की स्मृति आ गई, उसका मोक्ष हो जाता है, वो ठाकुर जी के चरणों में चला जाता है। और जिसके अंत काल में भी जिसको तृष्णा सताती रही, इच्छाएं लगी रही साथ में, उसका कभी मोक्ष नहीं हो सकता। तो अंत में ठाकुर जी का नाम कब आवेगा? बोले यही प्रार्थना हम वृंदावन में आके करते हैं, युग सरकार के चरणों में। वृंदावन घूमने नहीं आना चाहिए, बहुत से लोग कहते हैं वृंदावन घूमे आए, घूमने की जगह नहीं है वृंदावन। बोले जीवन श्री राधा कृष्ण को तिरुपमा, हे गोविंद, हे राधा रानी जी, मेरे जीवन काल में और जब मेरा अंत काल आवे, मेरा गला अवरुद्ध हो जावे, शरीर साथ देना बंद कर दे, रिश्तेदार साथ देना बंद कर दे, मेरा धन भी समाप्त हो जाए, मेरा पद भी समाप्त हो जाए, मेरा जो अहंकार है वो भी खत्म हो जाए, बोले जीवन नित्यम श्री राधा कृष्ण को तिरुपमा, अंत काल में मुझे श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों की गति प्राप्त हो जाए। बोले श्री बोले सरकार की जय। दोनों हाथ ऊपर कर ले, समर्पण भाव से श्री यमुना जी का ध्यान करेंगे, यमुना महाराज जी को चरण कमलों में ऐसी प्रार्थना करेंगे, हे यमुना मैया, जिस प्रकार से डूबता हुआ मनुष्य दोनों हाथों को ऊपर करके चिल्लाता है कोई मेरी रक्षा करे, उसी प्रकार से हम लोगों की स्थिति क्या होती है कि हमारे पास पैसा होता है, पद होता है, प्रतिष्ठा होती है, हम इतने मद में अंधे हो जाते हैं, अहंकार में इतने अंधे हो जाते हैं, सबको भूल जाते हैं, भगवान को कुछ नहीं मानते, हम स्वयं को भगवान मानते हैं, भगवान को तो मात्र तब मानने पूछते हैं हम जब हमारे ऊपर कोई कष्ट आ जाता है। तो हे गोविंद, सब कुछ होने के बावजूद भी मेरे जीवन में कष्ट है, और कष्ट तब तक रहते ही रहते हैं कि हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम्, जो हरि की स्मृति कर लेता है भक्त, तो सारी विपदाओं का नाश हो जाता है। तो हे गोविंद, मैं भी आपके चरणों में समर्पण भाव से हूँ, इसीलिए दोनों हाथों को ऊपर कर रहा हूँ आपके सामने, ये समर्पण का भाव है, आप मुझे अपनी शरणागत ले लीजिए और मुझ पर कृपा करिए। हे यमुने महाराज जी, यमुना जी का ध्यान करेंगे सही प्रेम से, श्री कृष्णा पर धराम कृष्णा कृष्ण प्रेम प्रदाय नम, कृष्ण सेवा रता प्रत्याम श्यामाम श्री यमुना भजे। बोले श्याम सुंदर श्री अपने महारानी की जय। दोनों हाथ जोड़ ले, मां वृंदा का ध्यान करेंगे, श्री वृंदावन धाम का ध्यान करें, तुलसी महारानी जी का ध्यान करेंगे, नव यौवन संपन्नाम देव प्रकवास नाम अलंकार संयुक्ता जय प्रभु विष्णु प्रभु प्रताप तव पत्रे वसले विष्णु विष्णु वाक्य सर्व देवता मां वृंदा तुलसी गोविंद जय माधवी नमो नमः। बोले श्री वृंदारानी जी सरकार की जय, श्री वृंदावन धाम की जय। तदुपरांत मात्र पुत्र चरण कमल ध्यायता, अपने अपने माता पिता के चरण कमलों का ध्यान करेंगे, मन में ऐसा भाव अर्पण करें कि माता पिता जी के चरण कमलों में कभी मुझसे कोई अपराध बना हो उसके लिए क्षमा प्रार्थना हो, माता पिता का सदैव आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे, ऐसी प्रार्थना अपने अपने माता जी पिताजी के चरण कमलों में, क्योंकि भैया कितना भी ठाकुर जी को मनाओ, जब तक माता पिता घर में कष्ट में रहेंगे ठाकुर जी भी कभी प्रसन्न नहीं होने वाले। और आज की वर्तमान स्थिति यही है कि हम लोग आधुनिक हो गए, हम लोग मॉडर्न हो गए, और मॉडर्न कैसे हुए कि माता पिता बेचारे वृद्धाश्रम में जाकर बैठा हुए, ऐसे मॉडर्न हो गए हम। तो वृंदावन में आ रहे हो तो वृंदावन क्यों आ रहे हो भैया? वृंदावन इसलिए आ रहे हो तो कुछ वृंदावन से सीख तो लेके जाओ,
बोले वृंदावन इसलिए आना चाहिए कम से कम श्रवण कुमार ना बन सको तो ऐसे तो बन जाओ कि माता पिता को कष्ट नहीं मिले। तो दोनों हाथ जोड़ के माता पिता के चरण कमलों का ध्यान करेंगे। सर्वतीर्थ मई माता सर्वदेव वह पिता अपने अपने इष्ट देवता अपने अपने कुल देवता के चरण कमलों का ध्यान करेंगे और नमः शब्द का उच्चारण करेंगे। सभी आप लोग सभी नमः बोलेंगे। श्री मन महाबलाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः। ओम श्री पुरंदराभ्याम नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो दिव्येभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो दिव्येभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्रीमते भवन्ते कालिन्दे श्री श्याम सुंदर यमने महाराणियो चलकपतिभ्यो नमो नमः। सिद्धि बुद्धि सहित श्रीमन महाबलाधिपतये नमो नमः। सभी अपने अपने पुष्प पात्र में समर्पित करें। तदुपरांते जल पात्र में धेय सभी एक बार जल में पात्र का स्पर्श करें। ठाकुर जी के चरण कमलों का ध्यान किया, ब्रज की रज को प्रणाम किया, अब अपने हाथ से जल के पात्र को स्पर्श कर रहे हैं। ये ऐसा भाव है कि हम ठाकुर जी के चरण धुलाएंगे, हाथ धुलाएंगे, आचमन कराएंगे। ऐसे भाव से ठाकुर जी के जल के पात्र को स्पर्श करेंगे। सभी सभी और सामग्री के पात्र को स्पर्श करेंगे। ओ नमस्कार करेंगे और अपने मानसिक भाव की दक्षिणा ठाकुर जी के चरण कमलों में अर्पण करेंगे। इस बात को ध्यान रखें, कभी भी ऐसी दक्षिणा ठाकुर जी को अर्पण ना करें जिससे अपने अंदर अहंकार आ जाए। मात्र तुलसी दल अर्पण करते हैं, वो भी ठाकुर जी को स्वीकार है। तो प्रेम से भाव से मन की दक्षिणा श्री जी को अर्पण करें। ओम महेन्द्र गर्भ गर्भस्थम अनंत